Hi everyone, my name is Vaibhav Garg and today we will be discussing about the cough, यानी कि खांसी. खांसी एक बहुत ही common symptom है जो कि seasonal change में, weather change में या environmental pollution की वजह से देखा जाता है. लेकिन यही खांसी अगर काफी समय तक persist करे तो cause for concern है. आज हम खांसी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे और उनके क्या कॉजेज होते हैं. इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर मधुर जोशी, जो कि एक चेस्ट फिजिशियन है जयपुर राजस्थान से. चलिए इनसे जानते हैं. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मधुर जोशी है. मैं जयपुर राजस्थान में एज अ चेस्ट फिजिशियन कार्यरत हूँ. मैं आज बात करूँगा एक आम कॉमन सिम्टम जिससे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, जो कि है खांसी या फिर अंग्रेजी में कॉफ. खांसी अमूमन दो प्रकार की हो सकती है, अक्यूट कॉफ या फिर क्रॉनिक कॉफ. अक्यूट कॉफ जो कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों के अंदर शुरुआत हुई हो. क्रॉनिक कॉफ बच्चों के अंदर अमूमन खांसी अगर 4 हफ्ते या ज़्यादा हो जाए तो क्रॉनिक कॉफ. एडल्ट्स या बड़ों में यही खांसी अगर 8 हफ्ते या 8 हफ्तों से ज़्यादा रह जाए तो उसे क्रॉनिक कॉफ कहा जाता है. तो अभी आपने देखा कि आम तौर पर खांसी दो टाइप की हैं, अक्यूट कॉफ एंड क्रॉनिक कॉफ. अगर आपके घर में बच्चों को 4 हफ्ते से ज़्यादा या फिर अडल्ट्स को 8 हफ्ते से ज़्यादा कॉफ है तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट करिए. वो इसका अंडरलाइंग कॉज को जानेंगे और अकॉर्डिंगली एक ट्रीटमेंट प्लान आपको बताएंगे. सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस कॉमन सिम्टम, टेक एक्शन एट द राइट टाइम. बट कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या कॉज है इस कॉफ का, स्पेशली अगर वो एक क्रॉनिक खांसी है, चलिए डॉक्टर से जानते हैं. खांसी एक बहुत ही टफ सिम्टम है जिसे अमूमन अनदेखा किया जाता है एवं उसके कारण जानने की प्रयास नहीं की जाती. आज हम बात करेंगे खांसी के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं. अगर आपको खांसी का कारण पता चल जाए तो उसका इलाज करना और भी आसान हो जाता है. देखा जाता है कि खांसी जब भी होती है आप अपने डॉक्टर को संपर्क करते हैं या अपने चेस्ट फिजिशियन को संपर्क करते हैं. वह इस खांसी से एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे कि फीवर या फिर सांस फूलना एवं इसके ड्यूरेशन, किसी पर्टिकुलर चीज़ खाने या फिर किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जाने से किस चीज़ से इसको बढ़ावा मिलता है, किस चीज़ से इसको आराम मिलता है, ये सारी जानकारी आप अपने डॉक्टर या फिर चेस्ट फिजिशियन से शेयर करते हैं. वह आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है, वह आपके कुछ टेस्ट करता है जैसे कि आपका जनरल एग्जामिनेशन गले का या फिर नाक का या फिर स्पायरोमेट्री जिसे कि लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं या छाती का एक्सरे या फिर सीटी स्कैन. अगर खांसी का कारण हमें सीटी स्कैन में अंदेशा लग रहा है, कई बार वह आपके ब्रोंकोस्कोपी या फिर आपके फेफड़ों की दूरबीन से भी जांच कर सकते हैं. खांसी के कई कारण हो सकते हैं. हमारे जो लंग्स एवं जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वे उसकी शुरुआत होती है हमारी नाक से या फिर नोज़ से, जिसे हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ये हमारे गले से होता हुआ हमारे एयरवेज के थ्रू लंग्स तक जाता है एवं लंग्स के बाद भी इंटरस्टीशियम तक जाता है. खांसी के कारण ना केवल नाक, गला या फिर लंग्स की कोई प्रॉब्लम से हो सकता है बल्कि कई दवाइयां जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज लेते हैं जैसे इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल एवं अन्य, उनसे भी खांसी लंबे समय की खांसी में तब्दील हो जाती है. हम सभी जानते हैं कि कारण को ट्रीट करेंगे तो हम अपने सिम्टम को बेटर ट्रीट कर सकेंगे. इसीलिए हमें हमेशा अपने डॉक्टर से शेयर करनी चाहिए अपनी हर एक व्याख्या, अपनी हर एक बात, ताकि वह आपके खांसी के कारण तक पहुंच सके एवं उसका निवारण कर सके. अन्य कारणों के अंदर हम लोग निमोनिया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस एवं अन्य फ्लू वायरस या फिर कोविड इन्फेक्शंस को भी कारण माना गया है. तो आपने देखा कि हम खांसी के सिम्टम्स को बहुत कॉमनली इग्नोर कर देते हैं, लापरवाही कर जाते हैं सोचकर कि ये खांसी ही तो है. सही टाइम पर डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें. खांसी केवल नाक, गला या लंग्स की वजह से नहीं होता है
बट जो पेशेंट बीपी की दवा बहुत समय से ले रहे होते हैं उनमें भी खांसी के सिम्टम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। एंड जैसे कि डॉक्टर ने बताया, निमोनिया, लंग डिजीज़, लंग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, फ्लू वायरस एंड इवन कोविड क्रॉनिक कॉफ का कारण बन सकते हैं। आई एम श्योर यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। अगले वीडियो में हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।